कपिल शर्मा शो भाजी, मेरा गवर्नमेंट के साथ ना कंपटीशन चलता रहता है। कोई भी काम सरकार करे उससे पहले मैं कर देता हूं। जैसे पहले सरकार ने 1,000 का नोट बनाया, मैंने 10,000 का बना दिया। उन्होंने खुशी में मुझे सम्मानित किया भाजी। उन्होंने 2 महीने का हॉलीडे पैकेज दिया मुझे तिहाड़ जेल में, साथ में डंडों का मसाज फ्री। मैंने सोचा जब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो क्यों जाने दें। पाजी मैंने अपना रेलवे स्टेशन खोला है, इससे पहले हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चले मैंने यहाँ पे चला दी पाजी। पूरे मोहल्ले को काम दे दिया पाजी। देखना मैं पर्सनल रेलवे से कितना पैसा कमाता हूँ। मैंने आपको कहा था वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर बैठना, आप भिखारी बन के क्यों घूम रहे हो? ये मेरी काबिलियत है ना, इसलिए घूम रहा हूँ। तो मैं मेरा टैलेंट नहीं दबा सकते बिल्कुल भी ऐसे बोल के? आपका गला तो दबा सकता हूँ मैं। दबा जाइए वहाँ पे जाके बैठिए। पहले ये बताओ कि बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? आप एक काम करो, आप पटरी पे लेट जाओ, जब चलेगी पता चल जाएगा आपको। मैंने लिफ्ट पे थप्पड़ मारना आपके। अगर तुम भीख मांगने में मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारा 420 में सपोर्ट करूंगा। इज दैट ओके? मैंने एक चीज देख ली बाजी। क्या? आप सुअर के लिए रेड कार्पेट भी बिछा दोगे ना, वो सोएगा नाली में। चेंज योर वोकैबुलरी। गधे को मूंग की दाल का हलवा हजम नहीं होता, तुम ऐसा नहीं कह सकते। समझ में नहीं आ रहा बाजी, इन लोगों के भरोसे कैसे चलाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन अपना। चोर 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 यार, मैं चोर नहीं, मैं कुली हूँ। कुली है तो बस अड्डे से हमारा सामान लेकर क्यों भागा? ताकि आप बस में ना जाएं, इस बुलेट ट्रेन में जाएं। ओह माय गॉड, यहाँ रेलवे स्टेशन भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छी चीजें कहाँ कहाँ चल रही है आपको वैसे भी देर बाद ही पता चलता है। हेलो, Myself, स्टेशन मास्टर कपू शर्मा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई साहब देखें, हम हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे तो ये बस अड्डे से हमारा बैग उठा के भाग आया। बहुत अच्छा किया ना। क्यों? आप बस में जाते सारा टाइम बस में निकल जाता, आपका वैसे भी ज्यादा बस में है नहीं कुछ। देखिए आप बुलेट ट्रेन में जाइए, जल्दी पहुंचेंगे, हनीमून को ज्यादा टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पतंग में कन्नी मारने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, पतंग उड़ाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। चंदू बाके जा, मैडम के लिए चाय लेके आ। चलो मैं अभी इनके लिए सुंदर टिकाऊ चाय लेकर आता हूँ। हैं, ये टिकाऊ चाय क्या होती है? इसकी चाय ना पेट में जाके वो टोस्ट बन जाती है, पर जब तक पटरी पे ना बैठो तो चाय निकलती नहीं है। ओ भाई साहब जी, हम ट्रेन की पटरी पे बैठने के लिए नहीं, हम ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं। अच्छा, टिकट कितने की है? 2,000 रुपए की। 2,000? ये तो बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपए चाय वाला ले जाएगा, 1,000 रुपए मैं, हमें क्या बचेगा? तो रेलवे को क्या जाएगा? रेलवे को मैसेज जाएगा कि चोर चिट्ठी नहीं रखने चाहिए। एक मिनट, पर आप तो स्टेशन मास्टर हो ना? तो जब ट्रेन चलेगी तो मैं टीटी बन जाऊंगा, आपको क्या है? तो फिर स्टेशन कौन संभालेगा? ऊपर वाला, जो पूरी दुनिया संभाल रहा है, छोटा सा स्टेशन नहीं संभाल सकता। आप टिकट लो फटाफट। ये लीजिए टिकट। चलो बाकी आधी भी ले लो, मैं क्या करूंगा। प्लेटफॉर्म की टिकट है ये तो प्लेटफॉर्म से जाएगी ट्रेन, ट्रेन का फ्रिज में से जाएगी। अंग्रेजों ने तो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है, हमने अंग्रेजों को इनवाइट किया, हमारे साथ ये ट्रेन में सफर करेंगी। माय सेल्फ इज का हस्बैंड। कपूर, हमने आपको कितनी बार बोला, हम कॉमन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करता, इसके मुंह से प्यास की बास आती है। बस कपूर प्लीज, हमको विंडो सीट देना ताकि वहां से खुला खुला ताजा ताजा हवा आए। ओके ओके क्वीन, डन। एक मिनट, ये तो बुलेट ट्रेन है और मैंने सुना है कि बुलेट ट्रेन की खिड़की खुलती नहीं है, फिर ताजी हवा कहाँ से आएगी क्वीन जी? क्योंकि हम अपने साथ हमेशा पेशकश लेके चलता है। पेशकश? स्क्रू ड्राइवर। या इससे हम विंडो खोल देते, ताजा ताजा हवा आता है। कितनी बार तो हमने पंखा भी खोल दिया। वो वेरी नाइस, बहुत हो गया लेडी क्वीन। चलिए लेडी क्वीन, आपको भाई साहब क्वीन तो लेडी होती है, फिर लेडी कहने की क्या जरूरत है? इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता, नहीं तो कभी कभी मर्दों की तरह ना पजामा ठीक करने लगती है। आप चुप रहिए। वैसे भी मैं इन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहती। खबरदार जो तुमने इनको ट्रेन का टिकट दिया तो। हाँ, ना दो ना दो, हम प्लेन से
से चले जाएंगे। मैं अभी बाहर जाके ना जरा प्लेन को आधे के रोकता हूँ। एक मिनट। वो ऑटो रिक्शा होता है भाई साहब, ऑटो रिक्शा को प्लेन कौन बोलता है? भाई साहब जब उसको मैं 500-500 वाले करारे नोट दूंगा ना, तो वो ऑटो कोई बुलेट ट्रेन की तरह भगा के लेके जाएगा। मेरे नाना ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना। उस जमाने में इंटरनेट कहाँ होता था, तभी तो लेट आई है ना। देखिए इंटरनेट के भरोसे ना रहो आप, इंटरनेट के भरोसे रहो ना तो रिश्ते सब गए। आप खुद समझदार, आप से आने में 3 बार बुड्ढे हो चुके हो आप। देखो अगर आप इंटरनेट के भरोसे रहो, अच्छा। सर्वर डाउन हो जाए जो आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है, हनीमून हो सकता है कभी? तो इंटरनेट को छोड़ो, अपने रिश्ते के मजे लो। चलो चलो चलो, मैं डार्लिंग। हाँ? हनीमून है, एक ही बर्थ ले लेते। देखिए ये बुलेट ट्रेन है, जब तक आप बर्थ पे पहुंचेंगे ना तब तक हम स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे। ओए शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? काम कर रहा हूँ, इसमें क्या शर्म है भाई? और इसमें कौन सी मेहनत है, काम करो कोई। दुनिया में सिर्फ हनीमून मनाना काम नहीं होता भाई साहब, जैसे आप देखा इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तुमको पता है ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठो, ऐसे ऐसे करके चलो, ऊपर से तुम जैसे लोग रास्ते पे मोटा मोटा थूक फेंक देते हैं, हमको ऐसे स्लिम होके ऐसे चक्के जाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। चलो 100 रुपया दे दो। बात इसने अच्छी की है, 100 रुपया दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। लेकिन करोगी किससे? वो इंक्वायरी सेंटर है ना, वहाँ बात करते हैं। वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। नहीं नहीं जाओ जाओ, मिल जाएगा बंदा। अच्छा? हाँ जी, हो सकता है हमारे पहुँचते पहुँचते कोई आ ही जाए। जाओ जाओ। कहाँ है? हेलो एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, या प्लीज टेल मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए ये बुलेट ट्रेन कब आएगी बताइए? आपको जाना कहाँ है पहले? शिमला जाना है। शिमला जाना? कितना किराया लगेगा? 20 रुपए। बड़ा सस्ता। सॉरी मैं शिमला मिर्च का बता बैठा रेट आपको। नहीं नहीं अपना शिमला का तो है जी, अपना ये 40,000 रुपया लगेगा पर टिकट। 40,000 रुपया लगेगा? हाँ जी। ओ भाई तुम हमें वहाँ फ्लैट भी लेके दे रहे हो, इतना महंगा में हम नहीं जाएंगे। इधर आइए, आप उधर जाइए। उधर थप्पड़ तो नहीं मारना? नहीं नहीं, आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं ना इसलिए महंगा लग रहा है आपको। एक बार हमारी एयर होस्टेस देखेंगे ना आपको परवड़ेगा 40,000 रुपये में, सस्ता ही लगेगा देखना। मैंने मेरे एयर होस्टेस, यहाँ एयर होस्टेस भी है भाई साहब। दे दो। यात्री कृपया पे ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एयर होस्टेस पहुंचे। एक टिकट दे दीजिए। डार्लिंग मैं अकेले ही हनीमून से होके आता हूँ, तुम घर जाके तलाक के पेपर साइन करो। आपने एक बार आप घर पे आना, फिर बताऊंगी मैं आपको तलाक कहीं के। इस उम्र में नहीं गिराते, उठने में टाइम लगता है। ओह माय गॉड, आपका चोट नहीं लगी ना? ओ नहीं जी, पत्नी से पिटने की मेरी प्रैक्टिस है। वैसे भी कहते हैं कि पत्नी से पिटा हुआ और पुलिस की गाली का गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे पक्की बात है कि आप मेरे साथ ही रहेंगी? ऑफ कोर्स, आप जाइए, आप एक टिकट ले लीजिए। ये लो भाई साहब, खुद ही गिन लेना। दीजिए एक टिकट, बल्कि इनके साथ वाली देना, साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली। ठीक है साथ वाली दे देंगे। ये बाथरूम के साथ वाली सीट पे बैठी, आपको बाथरूम में दे दूं? बोलिए, बाथरूम में सीट दे दो। चलेगा चलेगा। चलिए मुझे आप जरा ट्रेन अंदर से दिखा दे। एक आवश्यक सूचना, यात्री अपने आप सीट देख लेंगे, एयर होस्टेस इधर आ जाए, इंक्वायरी रूम में डॉक्टर गुलाटी वेट कर रहे हैं, यात्री सीट अपने आप देख लेंगे। मैं
मैं जा रही हूँ, आपकी यात्रा मंगल में हो। तो आप साथ नहीं होगी तो मंगल कैसे होगी? यात्री अपने आप सीट देख लें वरना माइक पे गाली भी बोली जा सकती है। ओ हेलो, हेलो। चले हुए अनार, जाके बैठो ट्रेन में अपने। ये ट्रेन में आपके साथ ही जाएगी, चलिए जाके ट्रेन में बैठिए। ये साथ ही रहेंगी तो अच्छा है, घर वाली को तो भेज दिया, अब इसी का ही सहारा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, भाई को तो बहन का सहारा होता ही है जी। ये आपकी बहन है? आपकी है। ताड़ू लाल जाके जा, ट्रेन जाके देखो। थैंक्स लॉटरी, थैंक यू सो मच। मेरे को थैंक यू बोलो, समझे? मैंने उसको बुलाया वरना तुम्हारे पैसेंजर भाग जाते हैं। थैंक यू लॉटरी। मैंने आपकी जान ले लेनी। मैंने देखो मेरी बात सुनो, उसको तो भेज दिया पैसेंजर को। जापान से आ रहे लोग जो हमें सारा पैसा देंगे ना, उनको अगर हमारी ट्रेन ना पसंद आई, फैसिलिटीज ना पसंद आई, एक रुपया नहीं देके जाएंगे वो। अच्छा। मुझे तो उनकी पहचान भी नहीं दिखते कैसे हैं। आप टेंशन मत लो, ये लोग सब मेरे भाई के जैसे लगते हैं, मैं उनको देखते आ रही हूं। भाई की बहन है तो उनको नहीं, पहले मेरे को देख, मेरा भी पी लो रहा है। चले तक तू देख लूंगी मैं। आप मिस्टर कपूर शर्मा हो? जी मैं ही हूँ। आप चिंग चाइनी से आए हो? नहीं, हम बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आए हो उद्घाटन करने? हाँ। अच्छा, फिर तो फीता यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ लगाया आप तो बीच में से निकल जाएंगे। वेरी फनी, वेरी फनी। आप ये बताइए आपकी ट्रेन में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारी ट्रेन में। स्विमिंग पूल है जी। स्विमिंग पूल? ओ वाह, हमारी ट्रेन में वो आज तक नहीं है, तुमने कैसे बना दिया? हमारा एक बाथरूम जाम हो जाता है, पानी निकलता नहीं है, तो जिसका दिल करता है नहा लेता है। सारे कस्टमर बहुत खुश हैं। इसका मतलब आपकी ट्रेन में बहुत गंदगी है? नहीं नहीं, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है, सारे कस्टमर बहुत खुश हैं। चलो भी खुश। ओ भाई साहब, ये बहुत ही घटिया ट्रेन है, बाथरूम के अंदर लोटा ही नहीं है। लोटा है ऐसी चीज? लोटा लोटा नहीं, लोटा नहीं, लोटा क्या कर सकते हैं। देखो इतने पैसेंजर आएंगे, बीच में से किसी का लोटा देके आपको दे देंगे। चलो चलो अंदर। मतलब आपकी ट्रेन में लोटा भी नहीं है? अगर लोटा नहीं होगा तो आदमी हल्का कैसे होगा? आपको क्या हल्का होने की जरूरत है, इतने हल्के आप ट्रेन निकलेंगे ना, उड़ जाओगे आप। चलो अंदर जाओ, जाओ भाई साहब जाओ, ट्रेन में सब कुछ ठीक है। एसी भी नहीं है उसके अंदर यार? एसी नहीं है क्या मतलब? एसी नहीं है वो ट्रेन है, ये बहुत ज्यादा फास्ट, तो इसलिए फास्ट फास्ट बन गई। एसी को बनने में टाइम लग रहा है, जब बन जाएगा ऑर्डर दिया हुआ लगा देंगे। चलो यार, ना खाना मिला है वहां पर, ना अंदर न्यूज़पेपर मिला है, ना पानी है, कोई चीज भी नहीं है। तुम ट्रेन में है क्या? अपने ससुराल आयो, चलो देखो जाओ। अब आइए, नहीं कोई चक्कर नहीं है। 40,000 रुपया किस चीज का लिया है? 40,000 रुपया? व्हाट व्हाट व्हाट, इतनी महंगी टिकट? वो तत्काल में बुक कराई ना, इसलिए महंगी हो गई जी। आप मेरी बात समझे, और भी बात गड़बड़ है। देखिए छोटी छोटी चीजें होती है, वो कुछ बोल रहा था, अब नहीं बोलेगा। अच्छा, वो पैसेंजर कहाँ गया? इसको बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने इसको ठंडा कर दिया, मतलब एसी में बिठा दिया मैंने। मैं सर डॉक्टर मशीर गुलाटी का अनाउंसर काम भिखारी। भिखारी? हाँ भिखारी, ना आए स्टेशन पे इसका भी ख्याल रखते हैं। आप कवर कर रहे हैं? करना पड़ता है जी, करना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी ली है, इसलिए स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। खैर आप मुझे ये बताइए कि आपने ट्रेन चलाने के लिए मोटर कौन सी लगाई है? पानी खींचने वाली जो। What? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी खींचने वाली छोटी सी मोटर ट्रेन भी खींच लेगी? खींच लेती थी, हम किसी की कैपेसिटी पे शक नहीं करते। अब आप देखो, आप इतने छोटे से आ ही गए ना कॉमेडी करने। बुलेट ट्रेन इज नॉट कॉमेडी। मैं आपके ड्राइवर से मिलना चाहूंगा। ड्राइवर से मिला देते हैं। ड्राइवर ड्राइवर आ गया, आ गया ड्राइवर, आ गया। हेलो ड्राइवर। हेलो अंकल, आई एम खजूर, मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। ओए खजूर, तू कहाँ गया था? स्कूल गया था। स्कूल? स्कूल? ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल। ये अभी ड्राइविंग सीख रहे? नहीं अभी तो साइकिलिंग सीख रहे हो, तो उसमें बैलेंस ही सीखनी पड़ती है। ट्रेन में क्या कुछ सीखना है, तो पटरियों पे चलनी है अपने आप बैलेंस बना के। नहीं नहीं, लेकिन इतना छोटा ड्राइवर? छोटा नहीं है जी, अभी ये एक बार दो बार नहाओगे तो हो जाएगा लंबा। अगर ये खुल के ऐसे अंगड़ाई ले लें तो आपसे लंबा निकला है। आप मुझे बताइए ट्रेन कैसे चलाएंगे आप? अरे यार पहले आप अनाउंसमेंट तो कराओ। अभी अनाउंसमेंट करो भाई कोई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
मुंबई से जम्मू जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से आधा घंटा लेट जाएगी। थप्पड़ मारना, पर रटी रटाई बातें बोल रहे हो। बुलेट ट्रेन कभी लेट नहीं होती, टाइम पे होती है। यात्री कृपया पहले वाली बात पे ध्यान ना दें, डिलीट कर दें। मुंबई से जम्मू जाने वाली गाड़ी आधा घंटा पहले ही जाएगी निर्धारित समय से। मैंने थप्पड़ मारना, पहले नहीं जाएगी, टाइम पे जाएगी। बोलो पापा, टाइम पे जाएगी, टाइम पे जाएगी। इसी बात पे ध्यान दें, टाइम पे जाएगी। Excuse me, ट्रेन रवाना होने वाली, मुझे पता भी नहीं चला। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। अरे क्यों नहीं, तुम्हारे बिना लेके जाएंगे ट्रेन में। जाएंगी लेकिन ट्रेन कब जाएंगी, कैसे जाएंगी? अरे हरी झंडी दिखाओ, फिर देखो कैसे ट्रेन चलती है। ओ अभी रुक तो, ये ले, ये ले हरी झंडी, चल। अब सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। ओके चलो 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 चलो। अरे ये ट्रेन नहीं, मैं उस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेन तो आपके उद्घाटन के बाद कटेगी ना, आप पहले वो फीता तो काटो। चलो 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 ट्रेन का उद्घाटन, चलो 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 चलो। थैंक यू। इधर इधर से काटो, पहले फोटो कैसे आएगी, इधर मरो। ओके पहले अनाउंसमेंट करने दो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दे दिया। और यात्री दे ना उधर ध्यान, मेरी तरफ क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं। अरे दे रहे ना। हमारे माननीय मुरली जी रिबन काटने जा रहे हैं, सो जोरदार तालियां ट्रेन से देने वाले। अरे ताली मार रहे हैं। थैंक यू एंड थ्री वेरी नाइस। लगता है मामला लगभग सारा खुल गया है, ट्रेन गिर चुकी है। आप ध्यान ना दें या दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़े जाएंगे। मैं एक मिनट, एक मिनट, आप उधर से भागें, जैसे भी हो सकता है। देखिए उन्होंने वही फीता काट दिया जिससे ट्रेन बंद हुई थी यार। अब ये हमें मारेगा, भागो, ये बड़ा तेज भागते हैं। पाजी, हाँ जी, आज हमारे मोहल्ले में हाँ। एक ऐसे एक्टर आ रहे हैं, ये किसी भी फिल्म में कोई भी किरदार करते हैं ना, लोगों के दिमाग में छप जाता है। अभी एक फिल्म आ रही है बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, तो ये उसमें बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं। मैं आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड मिस्टर मनोज बाजपाई। जोरदार तालियां हो जाए एक बार मनोज भाई के लिए। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मेहनत को राहें जी, मेहनत को राहें और मंजिल को आसमान रखते हैं, अपने अभिनय से अदाकारी को जवान रखते हैं। वाह, अभिनय, अभिनय के गुरु भी जिसे अपना गुरु माने, यादगार है भीखू मात्रे जो अलग अंदाजे बयान रखते। क्या बात है, फिल्म आ रही है बुधिया जिसमें मनोज सर जो हैं ये कोच बने छोटे से बच्चे के। वो छोटा बच्चा पाजी आपने न्यूज़ सुनी होगी, हाँ हाँ, बड़ा आया था छोटा सा बुधिया, वो भागता रहता। मैंने उसके बारे में सुना है, कहते पैदा होते ही हॉस्पिटल से भाग गया था। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर आप उसमें कोच बने हो, उसको दौड़ना सिखाते हो आप जी, आपको खुद को कितना भागना पड़ता भाई? देखो पहले से मैं भागता था जी, घर से भागा, अच्छा दिल्ली से भागा, अच्छा अब मन करता है बम्बई से भाग जाऊँ। इतना भागना पड़ा आपको भाई? आपने कोच बनने का, आपका कोच का किरदार है जी, तो आपने खुद कोचिंग ली पहले? बहुत बार कोशिश की थी कोचिंग लेने की। अच्छा, जैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाता रिजेक्ट कर दिया जाता। एक्चुअली हाँ, ये मैंने सुना है कि आप एनएसडी में जाने के बड़े इच्छुक थे आप जी, बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आपको हर बार रिजेक्ट कर दिया।
ऐसा सुना है कि आपको भी रिजेक्ट किया है। मुझे 3 बार किया भाई। मेरे को 4 बार किया है। तो भाई इसका मतलब मैं ये समझू जो आदमी रिजेक्ट हो जाते हैं वो लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं आगे चल के। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा जब 4थी बार आपको रिजेक्ट किया एनएसडी में, तो उससे पहले आपके दिमाग में आया था कि कभी ऐसे कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कभी आपको ऐसा लगा था कि भागते भागते मनोज वाजपेयी आपके शो में आ जाए? मुझे भी नहीं लगा था। क्या बात है भाई, फिल्मों में आने के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया जी, उससे पहले की लाइफ कैसी थी आप? मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ जी, क्योंकि एनएसडी में तो रिजेक्ट हो गए जी, जी तो फिर फिल्मों में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं जी, शेखर कपूर बैंडिट क्वीन बना रहे थे जी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार बॉम्बे से मैं किसी को नहीं लूँगा, सारे थिएटर के एक्टर लूँगा। ओके, तो थिएटर के एक्टर के लिए जब वो आए थे तो तिग्मांशु धूलिया उस समय जो है जी हमारी तरह से ही सड़कों के धूल चाट रहे थे जी, तो वो जो है कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। अच्छा, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शेखर कपूर आए हुए हैं, वो उनको कास्टिंग करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले तेरा फोटो देख के उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का है, तो मैंने बताया कि ये थिएटर में काफ़ी एक्टिव है, तो उन्होंने कहा कि मिलना है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बना रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि तो फिर यहाँ पे तो बरसाती का किराया देने के पैसे नहीं थे, शेखर कपूर को मिलने कैसे आ सकता है। अच्छा, तो खैर गया, तो उन्होंने शेखर कपूर ने इमीडिएटली मुझे फाइनल किया, उसके बाद से फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, हालांकि आप कोई भी किरदार करते हैं पूरा आप उसमें रम जाते हैं जी जी, लेकिन मैंने देखा है जैसे आपने बैंडिट क्वीन की बात की तो उसमें डाकू का किरदार किया था इन्होंने, उसके बाद में आपने सत्या में भिखू मात्रे का किरदार, अमर हो गया वो किरदार, कमाल था। लेकिन जब मैंने आपके ये किरदार देखे ना, मुझे लगा ही नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रियल लाइफ का कोई बदमाश उठा रहा है। तो भाई ये आप मतलब इस रोल के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी कि पहले बदमाशी वगैरह करते थे आप? ये क्या था कि लौंडे लपाड़े थे ना हमारे शहर में जी, वो कट्टे और चाकू लेके घुमा करते थे। अच्छा, कट्टा समझता ना हम, कट्टा जिससे एक आगे से कट्टा नहीं, हां जो पीछे भी चल जाती कभी, हां कई बार अपनी तरफ चल जाती और ड्यूम ढा बंदा ले लिया। अब लौंडों को देखता था तो जाते थे सबके सब बोलते थे यार ये जो है ना भाई इससे बच के रहना, तो पूरा शहर जानता था उनको। अच्छा, तो मन ही मन में ये ख्वाहिश थी कि यार अगर एक्टर नहीं बना तो ये पर मुझे जितना मैं मनोज भाई को जानता हूँ ये बड़े ही शाही हैं और बड़े ही भोली प्रवृत्ति के हैं, मुझे लगता है ऐसा लगता है कि ये गुंडे बन भी जाते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट करके कत्ल करते हैं, आपका कत्ल करना है अगर इजाजत हो तो एक आध गोली मार दे। अच्छा पाजी, आप आमतौर पे देखो ना जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं हर 2 मिनट बाद शीशा मंगवा लेती हैं, ऐसे मुंह देखती रहती, पता नहीं क्या देखती हैं, शायद इस उम्मीद में देखती हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सुंदर लगेंगी। मनोज भाई मेकअप भी करवाते तो आईना दिखते नहीं है, ऐसा क्यों मनोज भाई, आपको आईने से नफरत है कि आपसे अपना हुस्न देखा नहीं जाता? क्या हुआ, एक गलती की थी मैंने ग्रेजुएशन के समय में। अच्छा, कि जोर से देख लिया था, आईने ने कहा हट बे। भाई हमारे शो में रवायत है जो काम कहीं नहीं किया वो यहाँ पे आकर करो, मैं चाहता हूँ कि आज आप आईना देखो, लगातार देखो, 3-4 मिनट तक देखो और खुद की तारीफ करो। बड़ा मजा आया, ये रहा आईना, बड़ा मजा आया, व्हाट अ गाय। तो सर ये रहा आईना, आपको अपनी तारीफ करनी है। अबे यार यही तो नहीं किया। आप खुल के तारीफ करो आज भाई अपनी, आज कर दो भाई। यार जितेंद्र जैसा दिखता हूँ मैं। इतनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अजय देवगन ने कहा यार कभी कभी ना तू जीतू जी जैसा दिखता है। मैंने कहा तो आपको अपनी दिल खोल के तारीफ करनी मनोज भाई जी। चल रहा है सर, रोल हो रहा है। अरे हो रहा है, हाँ हाँ।
मैंने मनोज भाई ऐसा सुना है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, पहली बार जब फॉरेन गए थे तो फ्रेंच प्ले करने गए थे? जी, तो फ्रेंच एक्टर्स के साथ था। अच्छा जी, तो जहां तक वहां पे फ्रेंच में किया था। अच्छा अच्छा, तो जहां तक मेरी नॉलेज है इंग्लिश तो आपकी भी मेरी तरह है, मतलब ऑलमोस्ट। तो फ्रेंच कैसे पकड़ लिया आपने? देखो क्या है, मेहनत जो चीज होती है ना, जी समझ रहे हो ना, मेहनत। जी जी मैं समझता हूँ जी, वो एक चीज होती है, उससे आपने फ्रेंच सीख ली। तो आपने फ्रेंच पे मेहनत की काफी? जी बहुत। सो नाउ यू आर इन्फ्लुएंट इन इंग्लिश ब्रो? वेरी मच ब्रो। सो फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन टॉक इन इंग्लिश? As long as possible, man. I mean, you can go on. You can go on. Meva, you know, sometimes I speak English, na? Huh. Ad jata hu. It's very difficult to make a sentence impromptu. Wo kya hai ki Bihariyon na Angrezi bahut achhi hoti hai. Ye to hai. Manoj Tiwari ji, Ravi Kishan ji. पर एक बात सच भी है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस, हाँ सबसे ज्यादा आईपीएस बिहार में से निकलते हैं सर। जी ये भी बड़े फखर की बात है। और फिर जिनकी इंग्लिश नहीं ठीक होती वो फिर इधर आ जाते हैं। मनोज भाई से ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अब मैं उनको यहाँ पे इन्वाइट कर रहा हूं, वो पूरे उनको भी नहीं है, वो चुनको हैं, छोटे से हैं, जिन्होंने फिल्म बुधिया में मुख्य किरदार निभाया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एक छोटा सा बच्चा है, मयूर। जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। कैसे आप? हैं? अच्छे हो, इधर आओ, सोफा अलग से नहीं मिलेगा तुम्हें। एक बात बताओ, आपकी एज क्या है, कितनी उम्र है आपकी? 11। कितनी? 11। 11 के हो गए? नहीं। हाँ? अभी होंगे, अभी हुए नहीं ना? नहीं। आप हमारा शो देखते हो? हाँ। शुक्र है। नहीं कई बार बच्चे लोग, बच्चे भगवान का रूप होते, मुंह पे बोल देते मैं देखता। पूछ लेना चाहिए। मनोज अंकल ने आपको तंग तो नहीं किया शूटिंग करते हुए? ये बच्चों का एआर रहमान है। यस नो? तो आपको बिल्कुल तंग नहीं करते थे? नहीं। तो बेटा आप आए, अकेले आए, अपने एक्सप्रेशन नहीं लेके आए? नहीं। अच्छा तो आप खाना खाना है आपको? नहीं। बेटा एक बात बताओ, ये पाजी एक एक्चुअली ना बहुत सारे ऑडिशन हुए हजारों लाखों, उसमें से 112 बच्चे सिलेक्ट हुए, उन बाद में उन 112 बच्चों में से ये बच्चा सिलेक्ट हुआ मयूर। तो बेटा आप इधर आ जाओ, सामने बैठ के बातें करते हैं, आ जाओ मनोज अंकल के पास आ जाओ। हैं? हाँ अभी ठीक है, स्पाइकी। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिशन में आपने क्या किया था जो आपको सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? डांस। तो आपने डांस करके दिखाया उनको, तो वो खुश हो गए? हाँ। तो क्या बोले फिर? कुछ नहीं। और दूसरा शब्द बोल दे मेरे बाप। आप वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा कोई एक पोएम सुनाओ हमें जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। याद है? नहीं। मैंने पहली बार कपिल शर्मा की बोलती बंद देखी है। बेटा काम करोगे आप, मैं छुरी मंगवाता हूँ, मेरे पेट में मार दो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने पूरी फिल्म में एक्टिंग की है, तो
तो आपने एक्टिंग सीखी है कि खाली दौड़ते रहे फिल्म में आप? दौड़ते रहा। तो मनोज अंकल आपकी हेल्प करते थे? करते थे। दो लफ्ज, वेरी गुड। तो क्या आपको डांटा तो नहीं कभी इन्होंने? ये ऐसे ही है, ये ए, ए, एक एक शब्द बोलता है ये। तभी दौड़ाने पे ज्यादा रखा उन्होंने। बेटा दौड़ते ज्यादा हो कि वो भी एक कदम दौड़ के फिर रुक के फिर दोबारा दौड़ते हो? ज्यादा दौड़ता हो। वेरी गुड। मम्मी पापा आए बेटा आपके इधर? हाँ। मम्मी है इसकी। अच्छा मामा आता है, साथ में मामा जाता है इसके। अच्छा साथ में मामा जी अभी आए हैं यहाँ पे? आए हैं, कहाँ हैं? वाह। हाँ तो मामा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका भांजा है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा है और मुख्य किरदार निभा रहा है। तो मामा जी एक बात बताइए, ये बच्चा बोलता क्यों नहीं आपका ज़्यादा? वो कम ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बात करता है। शुक्र है आपने दो लाइनें बोल दी, मुझे लगा। मम्मी आई इनकी? कहाँ है माता जी? अच्छा वहां पे गया बच्चा, वो तो माइक ही नहीं पकड़ रही। अरे मयूर की मम्मी कैसी हैं आप? नमस्कार। माइक तो पकड़ो, हेलो हाय तो कर लो। अच्छा अब मैं समझा बच्चा बोल क्यों रहा है। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? आपसे तो बच्चा ही अच्छा, कम से कम ना तो बोलता है आप तो। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका बच्चा बहुत बड़ी अच्छी फिल्म कर रहा है और आपका नाम रोशन कर रही है पूरे परिवार का। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, शुक्रिया। हेलो एवरीवन। मनोज सर नमस्ते। जी नमस्ते। ये चुप नहीं होगा, मूवी में वो भी है ना? हाँ आप बात कर लो। हेलो मयूर। खजूर ये तो क्या बन के घूम रहा है? मैं रनिंग का कोच बनाऊं खजूर सर। तो तेरे से कौन लेगा कोचिंग दौड़ने की? अरे पहले आप ही सीख लो, किसी दिन हीरोइन का भाई साथ में आ गया ना तो आपको बहुत काम आएगा। अब खैर छोड़िए, मैं अपने स्टूडेंट को बुलाता हूँ। स्टूडेंट प्लीज कम। अबे खजूर ये तो तेरे पापा है ना, ये तेरा स्टूडेंट कैसे बन गया? अरे सर पैसा अच्छे अच्छे लोगों को खरीद लेती है। बस 20 रुपए दिए काम बन गया है? वरना ये आदमी हमेशा मुझे भगाता ही रहता है, कहते ओई होई 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 बेटा जा भाग के दूध ले क्या, ओई होई 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 होई। तो बेटा ये भागने को बोलते, तू आराम से जाया कर ना। अरे जाता तो आराम से हूँ, बजे में पैसे नहीं होता तो वापसी में भागना ही पड़ता है। ये इतनी जल्दी उठ गया? ओए होए होए होए। मनोज सर आए। हेलो बेटे मयूर कैसे हो? मनोज सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। जी धन्यवाद। बहुत कमाल के एक्टर हैं, अलीगढ़ फिल्म में तो आपने कमाल कर दियो, गजब के सीरियस एक्टर हैं। सिद्धू पाजी इतने सीरियस एक्टर हैं, आप इनको कभी भी देख लो ऐसे लगे इन्होंने लास्ट ठिकाने लगानी है। बैठिए मनोज भाई। बोल रहे हो आप? यार मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आप बैठिए, इज्जत ना दीजिए उसको, ये जुराबों पेट खराब हो जाता है। ये जुराबों पे क्या लगा रखा है? ये जुराबो किस किस कट पहन के आया तू नीचे? ये कौन पहनता है? किसी चेयर लीडर के निकाल लिया तूने? यार तुम लोगों को क्या पता फैशन क्या चीज होती है, आप चुप रहा करो। अच्छा फैशन देख लो इसका, इसका अपना कच्चा देखो चिपका हुआ टांगों के साथ, धोया नहीं ना कभी, देख फिर चिपक गया। और ये कच्चा मेरा टांगों से प्यार करता है। प्यार करता है, बीच में सिलाई लगाई कि स्कर्ट ही है ये। आप थोड़ा चुप रहेंगे प्लीज। मनोज सर आप प्लीज ना ये बता दीजिए कि ये गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता ताकि मैं उसको गिरवी रखकर दुबई जा सकूं। ना तो तेरी मंशा पे इतनी गंदी सोच है तेरी। यार मुझे भी ना कभी कभी शक होता है, क्या ये मेरे सच में पापा है या मैं आपको डस्टबिन से उठा कर लाया हूँ।
प्लीज़ सर आप ना मेरे को कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भागूं और मेरे को इनाम मिल जाए। मैं बताता हूँ तेरे को तरीका। बता दो। तू बैंक लूट के भाग। अच्छा, उसके बाद पुलिस तेरे सर पे रखेगी नाम। अच्छा, तू जाके बोलना मेरा इनाम दे दो, वो दे देंगे। कहाँ पे देंगे ये मेरे को नहीं आइडिया। देंगे तेरे को। तेरी वजह से सारा कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज ना तू बहुत पिटेगा घर जाकर, मैं तुझे बता रहा हूँ। उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले इधर आओ। इंसान को हमेशा तैश में नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर कभी अपमान के घूंट भी पी लेने चाहिए। पाजी देखो कैसे सलाह दे रहा है। बेटे अपमान के घूंट आज तू भी पिएगा। आज पाजी यहाँ पर इसी वक्त एक मैच होगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, मयूर में और रनिंग कोच खजूर में। चल बेटा देख, पहले तो इसके बाप को अकल ही नहीं है, दौड़ का भी कभी मैच होता है? हाँ बिल्कुल, रेस होगी, रेस होती है। हाँ तो वही रेस। चलो ठीक है, करवा के देख लो। आ जा भाई मयूर, मयूर आ जा, मयूर जीत के दिखा दे। चल बेटा शाबाश। चलो 1 2 3 चलो। शाबाश, आ जाओ। मैं जीत गया। तू कहां जीत गया बे? पापा ने बताया नहीं आपको? क्या? ये स्लो रेस थी। भाई इसने कभी बच्चों वाली जीत नहीं की शूट पे? कि मेरे को घोड़ा बनो, मेरे को झूले लेने बैठ के, ऐसे बच्चे कर ही देते? नहीं ये करता नहीं है, ये सब नहीं करता था ये। अच्छा, नहीं कभी नहीं, कभी कभी बस ये था कि इसको बोलो कि भागते रहो तो भागता रहता था ये। एक शॉट के बाद दूसरा शॉट करते रहो, भागना इसको तो ये भागता रहता था, कभी जिद नहीं करता था ये। मतलब भागने में शौकीन है? भागने का शौकीन नहीं। इसका ध्यान रखना मयूर की अम्मी, लड़की लेके ना भाग जाए कोई। इनको तो आएंगे लड़की वाले, पूछेंगे कहाँ गया आपका बेटा। मम्मी शर्माती है ना आपकी? अब तो नहीं, हाँ भी बोलना बंद कर दिया। हाँ शर्माती मम्मी, ओके। अच्छा पाजी, हर एक की अपनी तरह की फैन फॉलोइंग होती है, जैसे आपके फैंस सारे क्रिकेट जो लवर हैं वो हैं। मनोज भाई आपकी फैन फॉलोइंग किस तरह की, जब आपके आपके फैंस मिलते हैं तो किस तरीके के फैंस मिलते हैं आपको? एक किस्सा हुआ था, हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे जी, तो उसमें एक बड़ा कमाल का एक्टर था पंकज त्रिपाठी, वो भी बिहार का है। अच्छा, तो मैं नीचे बैठा हुआ था तो वो आया, आप आ जाओ, आप मनोज बाजपेयी हो जी? अच्छा, आप नीचे बैठो। अच्छा, मैं मनोज बाजपेयी। हाँ, वो आया पीछे से, आया ऐसे। अच्छा, और ऐसे करके बैठा उसने बोला। मनोज भाई एक बात बताएं? हाँ बता। आप पटना मौर्या में आके रुकते हैं ना? हाँ रुकते हैं। एक बार आए थे तो कोई सामान आपका वहाँ से गायब हो गया था। क्या? मैंने कहा कि हाँ मेरा चप्पल एक बार जो है मिला नहीं मुझे। अच्छा, हम वहाँ काम करते थे। अच्छा, और चप्पलवा हम ही लेके चले गए। जानबूझ के लेके गए? हमको लगा कि गुरुजी आए हैं, कोई सामान इनका निशानी के तौर पे रख लें। अच्छा, और भी मैंने गैंगस्टर देखे हैं फिल्मों में, फिल्मी गैंगस्टर्स होते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, हैट वैट पहन के, ये गैंगस्टर भी ऐसे? अच्छा, वैसी वाली बंदूकें नहीं कि डिशके ऊपर से छलांग कूदने, ऐसे जा रहे हैं और इनको किसी को मारना, और पहलवान बहुत लंबा है और हाथ में बर्फ वाला सुआ लेके जा रहे हैं, और भाई पहलवान तो कैसे? ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, इतना मजा आया ना, पर कमाल है भाई, आपको सच्ची में सैल्यूट है। थैंक यू, जान डाल देते भाजी। तो आप लोगों को जिनको मनोज सर से कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं, बाकी ये बताएं ना बताएं इनके ऊपर है। तो कौन सबसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं? जी हेलो कपिल। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपका एक मूवी है गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें आपने सरदार खान का रोल निभाया था, तो आपने सबको छेड़ा था उसमें, तो आज मैं चाहती हूँ मैं आपको छेड़ू।
से छेड़ू मैं आज आपको, इफ यू डोंट माइंड। बड़ी क्यूट डिमांड है इनकी। आज छेड़ने छाड़ने का बड़ा काम चल रहा है इधर। आप कपड़े धो। अब मैं कपड़े धो रहा हूँ तो हाँ। फिर यहाँ छेड़ो ना फिर। तो मैं आपके बाल। हाँ जी प्लीज छेड़ एक्शन। एक्शन एक्शन ही छेड़ एक्शन। ये दातुन कर रही हो ब्रश कर रही हो? बॉम्बे से। आप बहुत क्यूट हो, बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। चलिए और कोई मेरे दोस्त जी। हेलो मनोज जी। जी नमस्कार। हेलो कपिल। हेलो मनोज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपका एक गाना था कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है, तो वो सपनों तक ही रही या हकीकत में मिली आपको? अब तो मैं एक बच्ची का बाप हो गया। और मनोज जी, मुझे भी अक्सर ना सपनों में एक लड़का आया करता था जी? आपको देख के लगता है मुझे शायद वो ही था। इधर से आते हैं। मनोज बाजपेयी है। हाँ हाँ। कपिल शर्मा है, मनोज बाजपेयी है। हाँ। पता ही है मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। हाँ, ये मनोज बाजपेयी है, सिद्धू जी है, मनोज बाजपेयी है। हाँ, वही है, वही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, परम पिता परमात्मा आज हमारा जीवन सफल हो गया। अपनी नजरों से साक्षात आंखों के सामने मनोज बाजपेयी को देख लिया। बस और कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले आप चाहे तो हमें उठा ले। ऊपर वाला उठा के तो अपनी स्लिप डिस्क करवा ले। मनोज जी, हम समा चाहते हैं, कहा है कि आपको अपनी आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। नहीं, हो जाइए, हो जाइए। आप हमारे ख्वाबों में आते हैं। इसमें आते हैं ख्वाबों में। आम आदमी का ख्वाब होता है इतना, इसका बड़ा होता है तो ख्वाब आबा में हो जाता है। देखिए देखिए मनोज जी, हम जानते हैं क्या सेल्फी का जमाना है, कि ये सेल्फी वाला फोटो जो होता है उसमें हम फिट नहीं आते, इसलिए आप वो पुराना वाला जो ऑटोग्राफ होता है ना, वही ऑटोग्राफ जरा हमें दे दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। ए लीजिए। पीठ पे दे दीजिए। पीठ पे बाल इतने पेन फंस जाएगा। पड़ोसी देश की तरह हमारे निजी मामलों में इस तरह घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार माल कर रहे हैं। आप जरा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए बस। अरे तो इतना ही लोगे तो कैसे होगा, गुदगुदी होती है ना, क्या करे। अच्छा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, शरीर में सब जन जनाहट। ठीक है, बर्दाश्त करेंगे आप। हाँ, एकदम टाइट कर लो बदन। टाइट करो। देखो ना, हाँ, बस 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 हो गया। पता है इतना जोर बर्तन पे नाम लिखने में नहीं लगता।
जितना इसकी पीठ में लिखने में लग रहा है। अरे हो गए बाबू हो गए। अच्छा अच्छा बस हो गया हो गया। अब हमारा बारी आ गया। चलो देखिए देखिए अच्छा दिख रहा है देखिए। हाँ बस हो गया। अच्छा हमारा बारी है अभी। हाँ आपको कहाँ लिखवाना? हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई एक बस रोमांटिक सीन हो जाए बस आपके साथ। और क्या है टिंकू भाभी एक बात बताओ। हाँ बोल। अगर आपको मनोज जी के साथ सच्ची में फिल्म मिल गई हाँ तो क्या करेंगी आप? अरे हम तो खुशी के मारे कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। आओ फिल्म तो हम वैसे 300 रुपया में भी कर लेंगे। भाई इतने बड़े एक्टर हैं वो 10 लाख तो देंगे ही देंगे ना। पिक्चर का बजट ज्यादा होगा। देखिए देखो बजट होगा मेरे को नहीं पता लेकिन हमारा बजट बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी सिटी केबल पे मेरे को टाइटैनिक फिल्म दिखानी। मेरे पास सीडी नहीं है उसकी। तो आपको अगर फिल्म करनी है हाँ। तो भोजपुरी में टाइटैनिक मेरे सिटी केबल के लिए कर दो ना। ठीक है। बड़े नखरे तुम्हारे। जल्दी जल्दी सिटी केबल लेके आओ। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा सिटी केबल जो है फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गया है। रेडी? लेकिन यार हमको क्या पिनाया है क्या बना दिया? अरे आपको रोज बनना है। एक बार बनना है तो बोलो रोज रोज नहीं बनेंगे। अरे हीरोइन का नाम है रोज। अच्छा हाँ। तो फिर एलिफेंटा केव का रोल मनोज जी करेंगे। हाँ एलिफेंटा केव नहीं बेवकूफ लियोनार्डो डिकैप्रियो है वो। तो दोनों सेम टू सेम तो है। सेम टू सेम कैसे हुए? ये भी मुश्किल वो भी मुश्किल। तो लग रहे हैं। शुरू करते हैं। एक्शन बोलूंगा आपको वहां से चल के आना है ठीक है। और भोजपुरी में बोलना है आप फिल्म का नाम है टाइटैनिक वा। सिटी केबल पेश करते हैं पानी वाली फिल्म टाइटैनिक वा। एक्शन। जब हमारा शादी को 5 साल हो जाएगा हमारा बच्चा होगा आपको पापा पापा कहेगा? देखो बच्चा बड़ा भोला होता है तुमको भी पापा पापा कह सकता है। कपू शर्मा ये क्या है? तुमने तो हमें कहा था टाइटैनिक में बिठाओगे। ये क्या जो कश्ती चप्पू वाला कश्ती 300 रुपया का टिकट बर्बाद कर दिया हमारा। अरे ऐसा बेचने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा वो शेविंग क्रीम का ऐड आता है तो उसमें लड़की आती है ना तो असल में क्या आके लड़की सेव करती है मारेंगे। ज्यादा टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है हर बार। ये बताओ कि हमारा रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। जहाज का बैलेंस बिगड़ रहा है डूब जाएंगे कह रहे तो तौर वहां जाके हमारे घर पे हमारे बच्चों को खाना खिलाएंगे। अभी तो मजा आ रहा था। हम तो का आ रहा है हमका नहीं आ रहा है ना। अपना सारा किराने का दुकान हमारी तरफ करके यो कर रही है। मन में जो भी हमको देख के डायलॉग आ रहा है बोल दो। मुंबई का किंग कॉन्ग बिगू मात्रे। हमको पता था ऐसी रोज होगी तो आदमी का मर्डर करने का दिल करेगा करेगा। चलो ये वाला पोज हो गया निकालो 2000 रुपया। 2000 क्यों आ रहे? हम तो एक्टिंग किया है हम क्यों पैसा देंगे या क्या बात हो? अरे क्यों पहले से टिकट पे लिखा था ये देखा नहीं आपने क्या? ये देखिए सारा लिखा है पोज करने का 2000 फिशिंग करने का 5000 झूठ बोलने पे मौत सच बोलने पे 10000 पानी चोरी करने के लिए 15000 पानी गंदा करने के लिए सजा मूड पे डिपेंड सारा तो लिखा है। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। सच में कोई बात नहीं हुआ ये। चलो दूसरे जहाज पे चलते हैं हम लोग। दूसरा जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है जहाज इधर ही आ रहा है। अरे एक क्या कर रहे हैं जय किशन बा आपका इतना कटीली बीवी है आपके पास तो काहे चुड़ैल के साथ घूम रहे हैं?
तुम लोग अपनी एबी के चक्कर में हमें सीमत बनाओ। इधर काहे लड़ रहे हो, हमारा नाव को पलटी कर दोगे, पानी में जाकर लड़िए आप। पानी नहीं जा सकते, पानी तो ठंडा है, हमको ठंड लगेगा बहुत ज्यादा, हम उसमें नहीं लड़ेंगे। इतना ठंडा नहीं, जाओ। हाँ? नहीं ठंडा होगा, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं, जाके देखो। ए संतोष, मेरी बहन, हमको बचा ले, हमको ठंडे पानी से डर लगता है, हमको तैरना नहीं आता, जरा खींच तो जरा। संतोष, हमको तैरना नहीं आता। एक बार मिस्टर मनोज बाजपेयी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज भाई, एक सेल्फी हम आपके साथ लेना चाहते हैं। जी जी, आइए सर। थैंक यू सर। तो आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।